और अब बात दुनिया की एक बड़ी खबर की। अमेरिका और चीन जंग के मुहाने पर खड़े हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जंग कब होगी, कैसे होगी और वजहें क्या होंगी, ये अभी भी कोई नहीं जानता। पर अब कल्पना, शंका, आशंका और आकलन से परे जंग का साल 2022 घोषित हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग की मुनादी हालात ने कर दी है। ऐसी जंग जो ना तो कभी अतीत में हुई है, ना ही इस जंग के बाद के भविष्य में होने की आशंका है। दरअसल विनाशक युद्ध की राह पर चीन आगे बढ़ चुका है और सुपर पावर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। अब क्या हालात हैं, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एको अहम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति। एक विनाश ही सच है, दूसरा कोई सत्य नहीं। न भूतकाल में हुआ, न भविष्य में होगा। विनाश के बाद सृजन, फिर जीवन और अब विनाश की तरफ बढ़ता जीवन। 2022 महासमर का साल। दिन नियत नहीं है, फिर भी कुछ दिन बाकी बताए जा रहे हैं। आशंका की खाड़ी में जिस दिन भंवर बनेगा, उस दिन से दुनिया पर महाविनाश के बादल मंडराने लगेंगे। और फिर कब, किस पर ये बादल बरसेंगे, तय नहीं। ना तो हवाई कल्पना, ना ही परिस्थिति जन्य आकलन, सिर्फ दुनिया को भविष्य से आगाह करने वाली विशुद्ध खबर। 2022 में युद्ध छिड़ सकता है और इसकी शुरुआत चीन और अमेरिका के बीच हो सकती है। जिसमें साउथ चाइना सी सिर्फ एक कारण होगा, जबकि कई और कारण ऐसे होंगे जो दुनिया के कई देशों को चीन या अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उतरने को मजबूर करेंगे। उन तमाम कारणों को विशेषज्ञों के नजरिए से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध की तैयारी का स्तर क्या है वो देखिए। चीन ने उतारे 3 युद्धपोत समंदर में, जंगलों। अमेरिका से टकराव की आशंका के बीच चीन अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में लगा है और इस ताकत में बढ़ोतरी बहुत तेजी से कर रहा है। इसी तैयारी के तहत चीन ने 3 नए घातक जंगी पोत लॉन्च कर दिए हैं। चीन की मीडिया ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक की है, जिसके तहत टाइप 054A फ्रिगेट, टाइप 071E लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक और टाइप 054AP फ्रिगेट लॉन्च किए गए हैं। और इन तीनों युद्धपोतों को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उन जगहों तक पहुंचा दिया गया है जहां से अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। लेकिन चीन की यह रणनीति युद्ध को और करीब ले आई है। इसका कारण यह है कि किसी भी मोर्चे पर चीन की बढ़ती तैनाती उस मोर्चे के दूसरे मुहाने पर स्थित देशों में चुनौती के रूप में देखी जा रही है। जिससे चीन के लिए लामबंद विश्व में विस्तार भी होने लगा है और 3 नए युद्धपोतों की लॉन्चिंग के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। जानकारी के मुताबिक टाइप 054A फ्रिगेट चीन की PLA नौसेना के लिए है, टाइप 054AP फ्रिगेट पाकिस्तान की नौसेना के लिए है और टाइप 071ELPD रॉयल थाई नेवी के लिए बनाया गया है। जाहिर है कि जंग की यह तैयारी सामान्य नहीं, क्योंकि चीन अब सीधे अमेरिका के खिलाफ है और यह तैयारी सीधे टकराने की है। इनमें टाइप 054A फ्रिगेट चीनी नौसेना का 34वां शिप इन क्लास है, वहीं टाइप 054AP तुगरिल श्रेणी का 4था ऐसा और आखिरी युद्धपोत है जिसे पाकिस्तान ने चीन से ऑर्डर किया है। जबकि टाइप 07ELPD थाईलैंड की नौसेना के लिए इस श्रेणी का पहला और अब तक का एकमात्र जंगी जहाज है। खास बात यह है कि तीनों युद्धपोत एक ही डॉक में तैयार किए गए हैं, मतलब साफ है तैयारी का स्तर पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक।
पाकिस्तान को युद्धपोत की सप्लाई से पहला मैसेज यह जा रहा है कि चीन अब हथियारों के निर्माण और निर्यात में अमेरिका से भी आगे चला गया। दूसरा मैसेज यह जाता हुआ नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान को भी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। और तीसरा संदेश यह है कि वैश्विक जंग की तैयारी है। थाईलैंड को एलपीडी देकर चीन ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है कि वो अपने सहयोगियों को कमजोर नहीं होने देगा। अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ उसके सहयोगी भी लड़ेंगे और वो भी आधुनिक हथियार और मजबूत तकनीक वाली रक्षा प्रणाली के साथ। दरअसल 2021 का पूरा साल ऐसा रहा जिसमें अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति रही। वहीं भारत चीन समेत कई देशों की सीमा पर गतिरोध भी जोरों पर रहा। इससे शीत युद्ध में आक्रामकता महसूस की गई। चीन अमेरिका के संबंधों में नरमी की नमी भी उड़ गई। भविष्य की जंग सीधी जुबानी चेतावनी तक आ गई। चेतावनी जारी की है चीन के राजदूत क्विन गैंग ने, जिन्होंने अमेरिका के एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए लच्छेदार वाक्यों को गढ़कर कह दिया कि चीन लड़ेगा और जीतेगा। देखिए क्विन गैंग का वो अंदाज। अगर लोग चाहते हैं कि चीन के खिलाफ एक नया शीत युद्ध शुरू किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि चीन ये नया शीत युद्ध नहीं हारेगा। वो लोग युद्ध नहीं जीत सकते। उन्हें समझना चाहिए कि चीन पूर्व सोवियत संघ नहीं है, ना ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह है। हर शब्द तीर की तरह चुभने वाला है। दावा है कि चीन ना तो 30 साल पुराना चीन है और ना ही अमेरिका की एशिया में आक्रामकता उस पर कोई असर डालने वाली है। और अगर शीत युद्ध शुरू भी हो रहा है तो यह सिर्फ शीत युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यही हालात विनाश का कारण बन सकते हैं। और कई विशेषज्ञों ने इस संबंध में अपनी भविष्यवाणी भी कर दी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2022 में अमेरिका और चीन के बीच हथियारों की होड़ लग सकती है, जो जंग का कारण भी बन सकती है। कुल मिलाकर 2021 में कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो कि साल 2022 को युद्ध का साल बना सकती हैं। और वहीं आशंकाओं के बढ़ते स्तर के साथ ये सच भी साबित हो रही हैं। और अगर भविष्य में तमाम आशंकाएं सच साबित होती हैं तो भी यकीनन विनाशकारी युद्ध तय है। हालांकि कई विशेषज्ञों का दावा है कि 2020 में चीन और अमेरिका के रिश्तों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि हालात स्थिर रहेंगे ऐसा नहीं है, अदावत आगे बढ़ती रहेगी और ताइवान के मोर्चे पर आक्रामकता का तो कुछ और ही असर होगा। 2022 में जंग को लेकर दुनिया भले ही पूरी तरह तैयार ना हो, लेकिन जंग होगी ये तय माना जा रहा है। मुमकिन है इसके पीछे नया कारण तीन युद्धपोत की लॉन्चिंग ही बन जाए, क्योंकि चीन के सुपर पावर बनने की दिशा में ये पहला कदम है। और ये कदम अतीत में दिखे विनाश की तरफ ही बढ़ा है। कैसे, समझिए। ४९ में पर्ल हार्बर में जापान ने हवाई ताकत दिखाई, लेकिन अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से निर्माण किया और यूएस ने जापानी बेड़ा नष्ट करके उसे घुटनों पर ला दिया। 1941 में जापानी सेना के आत्मसमर्पण के पीछे अगर कोई ताकत थी तो वो समुद्री शक्ति थी। इसलिए चीन इस ताकत को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहा है और शुरुआती कामयाबी उसके हाथ भी लग गई। इसलिए तय है कि या तो अमेरिका चीन को और ताकतवर होने से रोकने के लिए जंग में उतरे, या फिर चीन अपनी आक्रामकता से अमेरिका को साउथ चाइना सी में पीछे धकेलने की कोशिश करे। लेकिन इस प्रक्रिया से भी युद्ध का आगाज तय माना जा रहा है। जंग की चिंगारी 2022 में किस तारीख को सुलगेगी, कब ज्वाला बनेगी और कब ये दुनिया में फैलेगी, इन तमाम सवालों का जवाब हालांकि अभी किसी के पास नहीं। लेकिन इतना तय है कि जिस स्तर पर युद्ध की तैयारी समंदर से लेकर आसमान तक जारी है, वक्त बहुत नजदीक लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।